चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली के इलाके बंडलागुड़े में कल्याणा लक्ष्मी और सिंगल बेडरूम मकानात की तकसीम जो कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिवेन्यू मिशन सर्वे नंबर 82, 83 और 128 और एक सर्विस कॉलोनी के अलावा गौस नगर में सिंगल बेडरूम 896 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। साबिक में 237 पट्टेजात कलेक्टर के जरिए तकसीम किए गए, बाकी के 659 पट्टेजात की तकसीम आज कारपोरेटर फहद बिन अब्दाद, समद बिन अब्दाद, अब्दुल वहाब रहमान, हफीज पटेल, आजम, सलीम बेग व दिगर के हाथों अमल में आई। इस प्रोग्राम में 62 कल्याणा लक्ष्मी चेक्स जिसकी जुमला रकम तकरीबन 62,07,100 रुपये की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बंडलागुड़ा मंडल तहसीलदार प्रवीण शेख, डिप्टी तहसीलदार प्रदीप के अलावा नरेश, रिवेन्यू इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा, अजहर, साइमन, विलेज रिवेन्यू ऑफिसर कृष्णा गौड़, विजय, चंद्रैया गौड़ व दिगर मौजूद थे। ये भी गुजारिश करती हूं कि अब जो थर्ड वेव कोविड का सेटिंग हो चुका है, इसलिए आप सब लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और जो पटा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहा है। इसलिए हम लोग सिर्फ लॉन्च के लिए थोड़े लोगों को बुलाए गए और बाकी लोगों को हम लोग ऑफिस पर बुला के डेली 50 या 60 के हिसाब से बाकी पट्टा सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू। आप लोगों को पट्टा सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप लोग इमीडिएटली आपके जो सर्वे नंबर वाइज और ब्लॉक वाइज फ्लैट नंबर वाइज आप जाके पोसेशन ले सकते हैं। ठीक है, राइट। मुबारक आप सबको दोबारा, मी अंदर के कूड़ा शुभाकांक्षल अम्मा। जे एन आर यू एम के तहत ये बंडलागुड़ा में और एक सर्विसमैन कॉलोनी और अपने छावनी में ये मकानात बनाए गए थे, उसकी तकसीम का मसला था। मोहतरमुल मुखाम आली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की गई थी। मुसलसिल 14 बरस से इन जे एन एन यू आर एम के मकानात को बनाने के लिए हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे के अंदर सर्वे नंबर 82, 83 और 128 और 128 और उपगुड़ा एक्सप्रेसमैन कॉलोनी में जो कदीम 100 मकानात बने हुए थे। आज मैं जितने भी बेनिफिशियरीज है जे एन एन यू आर एम के तहत 659 बेनिफिशियरीज जिसके पट्टा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबको मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। और इस कामयाबी के लिए मैं हमारे एमएलए साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे मंडल के पूरे 7 डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स सबको भी मैं मुबारकबाद दे रही हूँ।